सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है स्पेशली स्वाधार योजना के बारे में है। स्वाधार स्कॉलरशिप 2020-21 आपके लिए एलिजिबल रहेगी या नहीं, आपको वह मिलेगी या नहीं, तो क्या है चेंजेस। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लेटर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू ऑल में यहाँ पर नोटिस दी गई है। स्वाधार योजना जो है कुछ स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के हैं उन्हें यह बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस बारे में यह पीडीएफ को यहाँ पर रिलीज किया गया है, यहाँ पर उसे डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं यह विभाग प्रमुख लोक प्रशासन विभाग राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर यूनिवर्सिटी को लिखा गया है। सब्जेक्ट विद्यार्थी वसती गृहातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्याबाबत, मतलब जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उन्हें स्टूडेंट के स्वाधार स्कीम के बेनिफिट देने के इसमें यह लेटर है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस लेटर में ऐसा कहा गया है कि दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार श्री वैभव को से स्टूडेंट लोक प्रशासन विभाग राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर और श्री भूषण वाघमारे अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन इन्होंने जो एक तकरार दी थी, जो उन्होंने ग्रीवियंस दिया था, जो कि 22 अक्टूबर 2020 को दोपहर 3:30 की जो वहां पर कमिटी थी उस कमिटी में यह एक ग्रीवियंस किया गया था और इसका निवारण इस प्रकार से किया गया कि जो भी राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जो भी हॉस्टल्स है, यदि वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहते हैं तो उन्हें अभी 2020-21 से स्वाधार स्कॉलरशिप 2020-21 का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। तो यह बेहद ही बड़ा नुकसान है सभी छात्रों का। यह आदेश किसे देखकर पारित किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में सिर्फ यहाँ पर इतना ही पता चल रहा है कि स्वाधार स्कॉलरशिप इसलिए नहीं दिया जाएगा बिकॉज वह ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, इसलिए स्वाधार स्कीम स्कॉलरशिप उन्हें नहीं दी जाएगी और एक कमिटी गठित करके इस पर निर्णय भी ले लिया जाता है। बाकी आगे क्या होगा जल्दी इस पर अगले अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। महाडीबीटी स्कॉलरशिप 2020-21 के ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज सभी प्रकार के महाडीबीटी स्कॉलरशिप 2020-21 के अपडेट्स अब आने वाले सीरीज में आपको दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर वीडियो को शेयर करना ना भूले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।